हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोग को नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो फिगर बनेगा वो समझना पड़ेगा। अगर फिगर हमारे माइंड में बैठ जाता है तो हम लोग आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमांक 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन को समझाती हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि भूमि का एक बिंदु है, ठीक है, भूमि का एक बिंदु है, वहां से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है, मतलब एक टावर लगाया गया है। संचार मीनार मान लेते हैं, टावर लगाया गया है। उस टावर के मतलब संचार मीनार के तल, ये तल हो गया, और शिखर के उन्नयन कोण, और ये शिखर हो गया, शिखर के उन्नयन कोण क्रमांक 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का है जो तल से है, और शिखर से यानी पूरा 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला जो है वो हमें ज्ञात करना है। नाम दे देते हैं तब समझने में आसानी होगी आप लोग को। ए बी सी डी, ए डी, ये जो ए डी है, ये जो हमारे पास मीनार है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए डी हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग एक मतलब साधारण सा लॉजिक देखते हैं, अगर हमें एडी निकालना है तो एडी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले हम लोग एसी निकालेंगे, एसी निकालेंगे, फिर उससे अगर डीसी को माइनस कर देते हैं, एसी से डीसी को माइनस कर देंगे तो एडी निकल जाएगा। आसान है, तो ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डीसी तो है, डीसी भवन कहा गया था क्वेश्चन में, डीसी जो भवन है उसका ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एसी नहीं है, यानी मीनार और भवन की ऊंचाई जोड़ करके कितना है वो भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमें भवन की ऊंचाई दिया गया है 20 मीटर। तो एसी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बीसी निकालते हैं। अगर बीसी सॉरी अगर बीसी ने बीसी हम लोग फाइंड आउट कर लिए तो एडी भी हमारे पास आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बीसी फाइंड आउट करेंगे। बीसी क्या है? बीसी से हम लोग एसी निकाल सकते हैं। बीसी निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज डीबीसी देखेंगे। त्रिभुज, एक बार त्रिभुज डीबीसी को मैं फिर से बना रही हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। ये है त्रिभुज डीबीसी, ये है 45 डिग्री। ठीक है, डीसी है 20 मीटर। अब समझ में आ जाएगा आप लोग को। त्रिभुज है, ये जो है ये लंब है, ऊंचाई है, लंब है, और हमें बीसी निकालना है, यानी आधार निकालना है। तो लंब और आधार किसके मान में आता है? लंब बटे आधार टेन के मान में आता है, टेन के मान में आता है। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? डीसी, बटे आधार है बीसी। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, डीसी है 20 मीटर बटे बीसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीसी बराबर 20 मीटर। अब देखिए बीसी 20 मीटर निकल गया, बीसी 20 मीटर निकल गया। अब त्रिभुज, बड़े से त्रिभुज को हम लोग देखेंगे। बड़े से त्रिभुज में देखिए एडी निकालने के लिए हमें चाहिए होगा सॉरी एडी नहीं एसी, एसी निकालने के लिए हमें चाहिए होगा ये वाला बीसी, बीसी चाहिए होगा, है कि नहीं? तो देखिए अब त्रिभुज में बड़े से त्रिभुज को ले रही हूं जो है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अभी हम लोग दूसरे त्रिभुज को, इस छोटे से त्रिभुज को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, बीसी हमारे पास निकल गया है 20 मीटर, और ये संचार का
शिखर है और शंकराचार्य के शिखर में कितना कोण था, 60 डिग्री का कोण था। अब हमारे पास आधार है, एसी हमें लंब निकालना है, लंब बटे आधार, फिर किसका आ गया, टेन का आ गया, टेन के अनुपात, टेन का मतलब टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, लंब है एसी और आधार है कितना बीसी, बीसी निकल चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले हमें बीसी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इससे हमें एसी आसानी से मिल जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री एसी, तो हमें निकालना है बट्टे बीसी, हमारे पास है 20 मीटर। अब एसी बराबर क्या हो जाएगा, 20 रूट थ्री मीटर, देखिए 20 रूट थ्री मीटर निकल गया, एसी निकल गया और हमारे पास यहाँ पे डीसी तो है ही 20 मीटर, ठीक है। और हमें एडी निकालना है, यानी मीनार की ऊंचाई निकालना है। एडी बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एसी माइनस डीसी, एडी यानी मीनार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसी माइनस डीसी, एसी कितना निकल गया 20 रूट थ्री मीटर माइनस डीसी, यानी भवन की ऊंचाई बुक में दिया गया है 20, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन, 20 मतलब ऐसे लिखेंगे 20 इंटू रूट थ्री माइनस वन मीटर। ये देखिए एडी निकल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भवन के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो था ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में भवन की ऊंचाई दिया गया था जिसके ऊपर मीनार लगा हुआ था, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मीनार की ऊंचाई दिया गया है और हमें भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे पेडेस्टल है और यहाँ पे ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या कहा गया है, पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मान लेते हैं ऐसा एक पेडेस्टल है, ठीक है, एक पेडेस्टल है, उसमें उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर, और ये है पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब एक जो स्तंभ होता है उसे हम लोग पेडेस्टल कहते हैं, तो एक स्तंभ है, इसका ऊंचाई नहीं दिया गया है, ये पेडेस्टल है और ये मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति है। तो कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि का बिंदु वो ये है, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल का शिखर ये हो गया, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी सी डी, तो हमें हमारे पास एसी दिया गया है, एसी दिया गया है 1.6 मीटर, कोण ए बी सी दिया गया है 60 डिग्री और कोण सी बी डी दिया गया है 45 डिग्री, हमें निकालना है सी डी निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग
तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए BD फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर BD फाइंड आउट कर लेते हैं तो CD भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन बात आता कि BD को फाइंड आउट कैसे करेंगे, बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो AD भी नहीं दिया गया है। तो अगर AD निकालने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, AC प्लस CD निकाल लेंगे। ठीक है, AD पहले हमें BD चाहिए होगा, BD नहीं है तो हमें सबसे पहले AD निकालना होगा। BD चाहिए, BD के लिए हमें AD चाहिए, लेकिन हमारे पास AD भी नहीं है। तो AD निकालने के लिए हम लोग AC प्लस CD करना होगा। लेकिन AC तो दिया गया है 1.6, लेकिन CD जो कि हमें मेन निकालना है, पेडेस्टल की लंबाई, वो भी नहीं दिया गया है, वो तो हमें निकालना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, CD को मान लेते हैं X। CD हमें निकालना है, उसको ही मान लेते हैं X। आप लोग यहाँ साइड में लिख लीजिएगा कि माना CD की ऊंचाई बराबर X मीटर। ठीक है, X मीटर। तो AD बराबर क्या हो गया हमारे पास, 1.6X। ठीक है, AD। तो देखिए, CD को हम लोग X मान लिए हैं, ये तो अभी मैंने समझाने के लिए लिखा, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो हमने CD की ऊंचाई मान लिया है X। अगर ये त्रिभुज देखिए, छोटा सा त्रिभुज CBD में, ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में बना रही हूँ, त्रिभुज CBD में यहाँ पे कोण है 45 डिग्री का। यहाँ B है और यहाँ D है, ठीक है, CBD, ठीक है। तो हमने CD को मान लिया है X मीटर। अगर हमारे पास CD उपलब्ध है तो हम लोग BD भी आसानी से निकाल सकते हैं। लंब हमारे पास उपलब्ध है, हम लोग आधार आसानी से निकाल सकते हैं। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का होता है। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है, यहाँ पे थीटा का मान दिया गया है। लंब बटे आधार यानी CD बटे आधार है BD। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, CD है X, BD है BD तो BD है, तो BD बराबर क्या हो गया, X मीटर। ठीक है, BD भी हमारे पास निकल गया X मीटर। अब देखिए, BD हमारे पास X मीटर निकल चुका है, यहाँ पे BD हमारे पास यहाँ पे X मीटर निकल चुका है। तो हम लोग AD बटे BD लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब हमें चाहिए है AD। अगर AD से हम लोग AC को माइनस कर देंगे तो CD निकल जाएगा। हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें एक्चुअल में निकालना है CD। तो CD निकालने के लिए अगर हम लोग AD निकाल लेंगे माइनस AC कर देंगे तो CD निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास BD मिल गया, हमें BD मिल गया। इस बड़े से त्रिभुज को देखिए, अब ABD मैं त्रिभुज को बना रही हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज क्या है नाम, ABD A B एंड D। हमारे पास क्या मिल गया, BD मिल गया X। तो हम लोग AD आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। AD है लंब और यहाँ पे है आधार, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार और यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, CD निकालने के लिए, पेडेस्टल निकालने के लिए AD से हमें AC माइनस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अच्छा चीज हो गया कि यहाँ पे हमारे पास X होगा, तो X से ही सारा सॉल्यूशन, यहीं पे खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास BD है तो हमें AD निकालते निकालते ही हमारे पास मेन पॉइंट जो है वो आ जाएगा। हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 10 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि लंब बटे आधार का अनुपात है, लंब बटे आधार, लंब है AD बटे आधार है BD। ठीक है, लंब बटे आधार यहाँ पे मैं लेके आती हूँ। तो 10 60 डिग्री का मान कितना है, √3 बराबर AD कितना है, AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ, वहां पे मैंने बोला था कि CD निकालने के लिए AD से अगर AC माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए और एक बार,
क्या मैंने बोला था अभी कि सीडी निकालने के लिए एडी से एसी को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास सीडी निकल जाएगा, ठीक है। और एक काम यहाँ पे देखिए, मैंने क्या लिखा अभी, 1060 डिग्री बराबर एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी। तो एडी को हम लोग क्या लिख सकते, एडी को एसी प्लस सीडी, एसी हमारे पास है और सीडी को हमने, सीडी को हमने यहाँ पे एक्स माना था, एक्स माना था। इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं, और मैंने जो दूसरा यहाँ पे तरीका है एडी माइनस एसी, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडी को एसी प्लस सीडी लिखते हैं, एडी को एसी प्लस सीडी। इस मैथ को दो तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। और बीडी को अभी बीडी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री। एसी कितना था, 1.6 मूर्ति की ऊंचाई, प्लस सीडी, सीडी को हमने एक्स माना था, और बीडी हमारे पास निकल के आ चुका था यहाँ पे एक्स मीटर। तो एक्स मीटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा रूट थ्री एक्स हो जाएगा, बराबर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1.6 प्लस एक्स बराबर √3x माइनस एक्स बराबर 1.6 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ पे, हमारे पास क्या करेंगे फिर, इसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन में क्या आ रहा है, कॉमन में x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे √3 माइनस 1 बच गया बराबर 1.6। तो x को रखते हैं, ये जो गुना में है इससे बराबर के उधर लाएंगे तो भागा में आ जाएगा √3 - 1, भागा में आ गया। परिमेयकरण करेंगे तो √3 - 1 को ऊपर से और अंग से और हर से दोनों से गुना कर देंगे, ठीक है, दोनों से गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1.6 को √3 से गुना करेंगे तो 1.6 √3 गुना 1.6 को फिर प्लस के साथ गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस 1.6 बटे √3 - 1। √3 कितना हो जाएगा, 3 + 1, ये देखिए a - b a + b के में आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा अगर इन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे 1.6 √3 प्लस 1. अच्छा ये मैंने गलती से लिख दिया, 1.6 होगा, 1.6 को प्लस 1 से गुना करेंगे तो 1.6, और इन दोनों के बीच कॉमन ले लेंगे तो 1.6 यहाँ पर बच गया √3, और यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पे हो गया 3 + अच्छा ये तो है a - b * a + b, तो ये तो आ जाएगा a - b होगा एक्चुअली 3 - 1, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे काटेंगे तो 0.8 यानी 0.8 √3 + 1। तो ये हमारा बन गया एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आई होप आप लोग को आसानी से समझ में आ चुका होगा, कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे इस चैनल को, हमारे साथ बने रहिए, एंड लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।